podcast. एनके सिंह भाई साहब, लास्ट कमेंट आपसे ले लूं, समय करीब करीब। ये जो बात हम लोग नेम शेम और इलेक्शन कमीशन का जो उन्होंने साइन करवाया है, एक सबको खतरा ये लग रहा है कि ये अल्टीमेटली मॉनिटरिंग ऑफ वोट की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं आज नहीं तो दो साल बाद, एक साल बाद ये मॉनिटरिंग होने लगेगी कि किसने किसको वोट दिया। शायद ऐसी आशंका क्या आपको भी लगती है? नहीं, मुझे इससे ज्यादा लगती है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक पहला स्टेप है। अगले स्टेप में सिर्फ यही करना है ना कि आप राष्ट्र एक 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 डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि आप क्या राष्ट्र के प्रति समर्पित होके वोट कर रहे हैं कि नहीं। ये थोड़ा आगे बढ़ा, राष्ट्र आ जाएगा। जैसा मैंने कहा, पार्टी और राष्ट्र वो टर्मिनस है, तो अगला उसके आता है। तो अगर आप राष्ट्र को समर्पित हैं तो क्या आपने बीजेपी को वोट दिया है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि आपके दिमाग को और हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है जो इस पे लगाम लगाती है, वो इंस्टीट्यूशंस क्रिपल हो गई है, वो रेंग रही है। आप जो भी आप सरदार पटेल ने आर्टिकल 311 में इनको प्रोटेक्शन दिया था, ब्यूरोक्रेसी को, सिविल सर्विसेज को, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी लोगों ने विरोध किया कि सरदार अब अंग्रेज चले गए, अब ये काहे को इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इनको जनसेवक बनाइए ताकि काम करें, और ये दे मस्ट बी सब्जेक्टेड टू ऑल काइंड्स ऑफ पब्लिकेटर कंप्लेंट्स। तो पटेल ने रिजोल्यूटली कहा कि नहीं, ये इसलिए बनाया है कि कम से कम ये जो टॉप इशलॉन है ये तन के अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने खड़ा हो और कह सके कि नहीं ये गलत है। आपने देखा कि आज वो क्या हो गया है, आज वो रेंग रहे हैं, और रेंग नहीं मतलब स्पाइनलेस जो कहते हैं वो केचुआ बन गए हैं। तो ये देखते देखते हुआ है, तो उसी में जब पब्लिक के लिए आएगा तो यही तो करना है। आप सोचिए कि ये हिमाकत क्या किसी सभ्य समाज पे एक्सेप्टेबल है कि सेक्रेटेरिएट लोकसभा का इंस्ट्रक्शन दे और एम्स के अथॉरिटी डॉक्टर्स को लिखे कि वो जो एमपी आते हैं उनके लोग जो चिट्ठी लिखे उस जनता को प्रायोरिटी पे आप पीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए, आप प्रायोरिटी पे उनकी भर्ती कीजिए। जब ये दस्तखत किया होगा उसने तो उसके हाथ भी नहीं कांपे। ये फॉसिलाइजेशन ऑफ थॉट्स है, सेंसिबिलिटीज का फॉसिलाइजेशन है। आप जड़वत हो जाते हैं तब जाके ये जो जड़ता आती है, सेंसिटिविटी आपकी खत्म हो जाती है, वरना ये हाथ कांपना चाहिए कि हम कहें कि एमपी साहब का जो आदमी आएगा वो जिंदगी के चार सांसें और लेगा आपके इलाज से, लेकिन जो एमपी को नहीं जानता है वो मरने का नहीं हकदार है। आप इसको जब ब्रेक करेंगे ना तो ये लॉजिकल प्रेमाइस यहाँ पे आके रुकेगा। इसके बाद भी आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, तो इसको आपने फॉसिलाइज कर दिया है। अब ये रिएक्ट करता है तो सिर्फ राम मंदिर के नाम पे करता है। अब जब ये कोरोना आता है तो ये ताली हिजड़ों की तरह बजाने लगता, माफ कीजिएगा हिजड़ा बंद आजकल तो नहीं कहा जाता, मेरा मतलब उनसे था ना हो। जी, तो मुझे लगता है कि वो जो लोग ताली बजा रहे थे वो जड़वत हो गए। बात ताली बजाने की नहीं, लेकिन आप कोरोना आया है तो वो कोरोना वो करके ताली बजाएंगे, टॉर्च दिखाएंगे, तो ये वो समाज की प्रॉब्लम है कि वो लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, और ये हमने पिछले 70 साल में डेवलप होने ही नहीं दिए। नतीजतन एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि झारखंड में हर चौथे दिन एक औरत को जो साइकेट्रिक पेशेंट है, पागल है, उसको ईंटे से गांव वाले मार देते हैं ये कहके कि दूसरे गांव से आई है, पूरे गांव को खा जाएगी, डायन है, और वो जो हाथ पत्थर चला के उसको मारते हैं, उस औरत को जिस बेचारी को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, वही हाथ हमारा मेंबर पार्लियामेंट चूमते हैं, तो जरा सोचिए कि ये पार्लियामेंट की क्वालिटी कैसी होगी, ये गवर्नेंस का मॉडल कैसा होगा। तो जो हो रहा है वो यही तो होगा ना उसमें।